चिराग जी ने ये भी कहा था कि हम हनुमान हैं, लेकिन जो असली घर था वो तो छीन लिया बीजेपी के लोगों ने। दिल्ली स्थित 12 जनपद आवास, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को वो आवास खाली करना पड़ा, लिहाजा कई तरह के सवाल उठे। देखिए, चिराग पासवान ने कहा कि तरीका गलत था, हमें पहले से बताया जाना चाहिए था। अब नानी का घर दिल्ली में है, अब वहीं रहेंगे। आज देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है चिराग पासवान को लेकर के। तेजस्वी ने कहा है कि जिस तरह से बंगला खाली कराया गया, बीजेपी के हनुमान कहते थे चिराग पासवान खुद को, और रामविलास पासवान, चिराग पासवान हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे, लेकिन आज उनके साथ क्या हुआ? उनके बंगला, सबसे बड़ा जो सिंबल उनके बंगला का था, वो छीन लिया गया। फिर उनके पार्टी में ही टूट करा दी गई, बीजेपी ने किया है बड़ा हमला, सादा है। तेजस्वी यादव ने आज बीजेपी सरकार, डबल इंजन सरकार पे, और साफ तौर पे नरेंद्र मोदी को लेकर के तेजस्वी यादव ने कई बातें कही हैं कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान जहां दिल्ली में 12 जनपद आवास में रहते थे, वो आवास से उनको निकलना पड़ा। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी के हनुमान खुद को बताते थे चिराग पासवान, और जो उनके साथ हुआ वो गलत हुआ। सुनिए तेजस्वी यादव, बिहार के नेता प्रतिपक्ष चिराग पासवान को लेकर उन्होंने क्या कहा है। देखिए, रामविलास पासवान जी, रामविलास पासवान जी अंतिम सांस तक जो है बीजेपी के साथ रहे। चिराग जी ने ये भी कहा था कि हम हनुमान हैं। अब जिस प्रकार का जो व्यवहार हुआ उनके साथ, चलो घर कोई बात नहीं, लेकिन जो असली घर था वो तो छीन लिया बीजेपी के लोगों ने। वो असली घर कौन सा था? चुनाव का सिंबल छिना गया और पार्टी को दो पार्ट में कर दिया गया, घर में ही आग लगा दी गई। यानी यहाँ तो हनुमान जी की ही घर में आग लगा दिया गया, तो ये तो इस पर हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन लगातार शुरुआत से ही चिराग जी हों या रामविलास जी हों, हमेशा नरेंद्र मोदी जी के तरफ ही खड़े रहे हैं, लेकिन उनके तरफ खड़े रहने का ये परिणाम होगा कि उनके घर को ही आग लगा दिया जाएगा, ये उचित नहीं। कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं? अब इसमें हम क्या, कैसे अब हम इसमें क्या बताएं? ये तो जवाब चिराग जी ही दे सकते हैं। तो आपने सुना, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चिराग पासवान के साथ किया है व्यवहार, वो व्यवहार गलत था, तरीका गलत था। मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता। हालांकि चिराग पासवान ने जिस तरह से उस आवास के बारे में बताया कि पापा की यहाँ कई यादें जुड़ी हैं, कई तरह की ऐसी बातें हैं जो मैं खुद पापा के साथ जब इस आवास में रहता था तो वो बातें हमारे जहन में आज भी। उसके बाद चिराग पासवान ने कई वीडियोज़, कई फ़ोटोज़ ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और बताया है कि नानी के घर पे अभी वो हैं और वहाँ पर ही वो जो है पूरे परिवार के साथ हैं। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान का समर्थन किया है और क्या कुछ कहा है अपने बयान में सुना है। अब फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहे। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए, तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।